नमस्कार दोस्तों। चलिए तो अब हम प्रधानमंत्रियों की इस कड़ी में राजीव गांधी जी के बारे में बात करते हैं, इनकी बायोग्राफी देखते हैं। राजीव गांधी एक शख्सियत शख्सियत जिन्हें महज 40 साल की उम्र में देश के पीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सन 1984 में अपनी माँ इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारी बहुमत के साथ पीएम का पद हासिल किया था इन्होंने। राजीव गांधी बेहद सरल, सौम्य, शांति और धैर्यवान राजनेता थे, जिन्होंने देश के विकास और प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया था। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके हित में कई अहम फैसले किए। सन 1991 में आम चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयानक बम विस्फोट होटक में साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। साल 1991 में मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। याद रखिए, तो 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। राजीव गांधी जी के जीवन के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। पहले इनका पूरा नाम था राजीव गांधी। इनका जन्म था बर्थ ऑफ बर्थडे ऑफ जयंती 20 अगस्त 1944 मुंबई महाराष्ट्र। इनके पिता थे फिरोज गांधी। इनकी माता थी इंदिरा गांधी। इनके भाई थे संजय गांधी और इनकी पत्नी वाइफ थी सोनिया गांधी, एटोनिया माइनो। इनका नाम था सोनिया गांधी का एक दूसरा नाम है एंटोनिया माइनो। और इनके बच्चों की बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इनके बच्चे हैं। इनकी मृत्यु की बात करें निर्धन की, तो 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुई। आपको बता दें, 20 अगस्त 1944 में मुंबई में राजीव गांधी से ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे के रूप में जन्म लिया। इनकी माता इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री थी और इनके पिता फिरोज गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख और नेशनल हेराल्ड अखबार के एडिटर थे। राजीव गांधी जी की शिक्षा की बात करें तो देश को तरक्की के एक नए पायदान पर पहुंचाने वाले भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के शिव निकेतन ओबेलम बॉयज स्कूल में हुई थी। इसके बाद पढ़ाई में होनहार राजीव गांधी का दाखिला देहरादून के ही कुलीन डॉन स्कूल में कराया गया। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपनी आगे की परीक्षा पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां से जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। इसके बाद 1966 में राजीव गांधी जी भारत वापस लौटे। इसी दौरान उनकी माँ इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइन में पायलट बने। राजीव गांधी जी की शादी के बाद में बारे में बात करें तो लंदन में पढ़ाई के दौरान ही राजीव गांधी इटली में रहने वाली एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी से मिली और फिर दोनों ने 1968 में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद उनकी पत्नी एंटोनिया माइनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया दिया था। वे भी आज राजनीति की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। ठीक है, वह शादी के बाद इन दोनों के दो बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए। दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी के अहम पदों पर कार्यरत हैं। राजीव गांधी जी के जीवन का राजनीतिक करियर देखते हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर देश के नेतृत्व कर चुके राजीव गांधी जी का झुकाव पहले राजनीति की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें राजनीति में आना पड़ा। दरअसल राजीव गांधी जी के भाई संजय गांधी 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद राजीव गांधी जी की माँ अपनी माँ इंदिरा गांधी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। राजनीति में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा
और बंपर जीत हासिल की। इस तरह उन्होंने अपनी युवा विचारधारा से संसद में अपनी जगह बनाई। इसके बाद उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए 1981 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस के महासचिव के पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही उनके ही नेतृत्व में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। राजीव गांधी जी अपनी माँ इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया। राजीव गांधी जी भले ही मजबूरन राजनीति के क्षेत्र में मजबूरी में आए हो, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में असीम ऊंचाइयां को छुआ और बाद में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी की माँ एवं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री गांधी इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन इन्हीं के एक सिख बॉडीगार्ड द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही जगह जगह सिख दंगे भड़क गए थे। वही ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को दिशा दिखाने वाले कोई कद्दावर नेता नहीं बचा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने राजीव गांधी जी की राजनीतिक कौशल, कर्तव्य निष्ठा और दूरदर्शिता को देखकर उन पर प्रधानमंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कुछ दिन तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। फिर इसके बाद 1985 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारी मतों के साथ जीत हासिल कर देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। राजीव गांधी जी अपनी आधुनिक विचारधारा युवा सोच के साथ देश के को शक्तिशाली संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया। नौजवानों के अंदर नई उम्मीद जगाई। इस साल के साथ ही राजीव गांधी जी ने अपने पीएम के कार्यकाल में कंप्यूटर संचार विज्ञान प्रौद्योगिकी को नई दिशा दी एवं नई शिक्षा नीति की घोषणा कर शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया। यही नहीं, राजीव गांधी जी ने अपनी अद्भुत राजनीतिक कार्यशैली के चलते उन्हें असम, मिजोरम, पंजाब समझौतों समेत श्रीलंका में शांति सेना भेजना, 18 साल से मताधिकार पंचायती राज को शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने देश की युवा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनके लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। राजीव गांधी देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की। राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से 1986 में निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भारत के पास आने समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपनी बेबाक राय देकर भारत को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी लोगों के संघर्ष, नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए अपना सहयोग दिया, बल्कि अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए भी अफ्रीकी फंड की स्थापना में अपने सराहनीय कदम उठाए। इसके साथ ही राजीव गांधी ने अपने पीएम के शासनकाल में कई देशों की यात्रा की, उनके साथ अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया। इस तरह वे हर मुद्दे पर बेहद स्पष्ट और बेबाक राय देने वाले एक सशक्त और कुशल राजनेता के रूप में उभरे। राजीव गांधी की हत्या की बात करें, 31 मई 1991 में जब राजीव गांधी अपनी चुनावी दौरे पर गए थे, तभी तमिलनाडु में आयोजित एक स्टेज शो के दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस बम विस्फोटक में देश के इस युवा और सशक्त राजनेता की जान चली गई। इस हमले में कई और लोगों की भी जान चली गई थी तो कई लोग इसमें घायल हो गए थे। इसके बाद राजीव गांधी की मृत शरीर को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लाकर उनका पोस्टमार्टम किया गया और फिर 24 मई 1991 में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आधुनिक विचार धारा वाले देश के सख्त और कुशल राजनेता की मृत्यु से देश में शोक की लहर दौड़ गई थी।
राजीव गांधी की याद में बने स्मारकों की बात करें तो राजीव गांधी के सम्मान में नैनेवागम श्री पेरुम्बदूर में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी जी के नाम पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। राजीव गांधी की स्मृति और सम्मान में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। इस यूनिवर्सिटी को जिसे राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजी के नाम राजीव गांधी जी के सम्मान में रखे गए। इस तरह राजीव गांधी जी ने अपने छोटे से राजनीतिक करियर के दौरान अपनी अद्भुत कुशल से इस क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इस दौरान उनकी कई उतार चढ़ाव भी आए और बाद में हत्या की साजिश का शिकार होना पड़ा। राजीव गांधी को मिले सम्मानों की बात करें तो देश की प्रगति और विकास में उनके अमिट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए, ये थी हमारे राजीव गांधी जी की बायोग्राफी।